अब हम आपको कर्नाटक लेकर चलेंगे, जहां स्कूलों में धार्मिक कट्टरवाद का जहर इस समय घोला जा रहा है। कल हमने आपको कर्नाटक के मांड्या का एक वीडियो दिखाया था, जहां एक प्राइवेट कॉलेज में शिक्षा की बजाय अल्लाह हू अकबर और जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे, और इसमें जो मुस्लिम छात्रा बुरके में दिख रही है उसकी आज खूब चर्चा हुई। लेकिन आज हमें यह बताते हुए दुख हो रहा है कि धार्मिक नारों की यह लड़ाई कर्नाटक के दूसरे स्कूलों में भी अब पहुंच गई है, अब ये आग की तरह फैल रही है। आज हमें उडुपी के एक इंटर कॉलेज का नया वीडियो मिला है, जिसमें बुरका और हिजाब पहने कुछ मुस्लिम छात्राएं एक हिंदू छात्र का विरोध करते हुए वहां पर धार्मिक नारे लगा रही हैं, और ये हिंदू छात्र इनका विरोध करने के लिए भगवा गमछा हवा में लहरा रहा है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। कल हमने आपको एक वीडियो दिखाया था, जिसमें एक मुस्लिम छात्रा जिसने बुर्का पहना हुआ है, उसे ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ लड़कों ने, कुछ छात्रों ने घेर लिया था और वो अल्लाह हू अकबर के नारे वहां पर लगा रही है। और ये कहा जा रहा था कि देखिए कैसे बाकी के जो छात्र हैं उन्होंने उस लड़की को घेर लिया है, और उस लड़की की बहादुरी की आज तारीफें हो रही हैं, पाकिस्तान से भी उसकी बहादुरी की तारीफें आ रही हैं। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि इस जगह पर, इस कॉलेज में एक लड़के को बहुत सारी छात्राओं ने घेर लिया है, और ये सारी छात्राएं उस लड़के के सामने आकर अल्लाह हू अकबर का नारा लगा रही हैं। आज कर्नाटक के सभी हाई स्कूल और कॉलेजेस बंद रहे, लेकिन देश भर में अलग अलग जगहों पर हिजाब की मांग को लेकर बहुत हंगामा हुआ। कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और दिल्ली समेत कई जगहों पर मुस्लिम संगठनों और छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए गए। यानी अब यह मामला एक राज्य के कुछ स्कूलों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि धार्मिक कट्टरवाद की यह आग अब धीरे धीरे पूरे देश में फैल रही है। और आप याद कर लीजिए, जब हमने आपको पिछले हफ्ते ये खबर सबसे पहले दिखाई थी, उस दिन हमने ये कहा था कि ये आग ऐसे ही पूरे देश में फैलेगी, क्योंकि इसका मकसद ये है कि ये हमारे देश के स्कूलों में और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं के मन में जहर घोल दे, और ये छात्र और छात्राएं पढ़ाई करने की बजाय धार्मिक उन्माद में फंस कर रह जाएं। और अब वही हो रहा है, अब इन स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही, परीक्षाओं की तैयारियां नहीं चल रही, बल्कि सिर्फ धार्मिक उन्माद चल रहा है। हिजाब हमारी आइडेंटिटी है। आज कर्नाटक हाईकोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई हुई, और अदालत ने इस केस को एक बड़ी बेंच के पास भेज दिया। यानी अब यह मामला हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को सौंप दिया गया है, और अब वही इस पर सुनवाई भी करेंगे। इस पूरे विवाद की जड़ में तीन बड़ी बातें हैं जो आज आपको समझनी चाहिए, और जिन पर लगातार लोगों के बीच जानबूझकर गलतफहमी पैदा की जा रही है। पहली बात तो यह है कि असल में यह मामला स्कूलों में स्कूल यूनिफॉर्म से जुड़ा हुआ है। आप स्कूल में कौन सी यूनिफॉर्म पहनकर जा सकते हैं और क्या पहनकर नहीं जा सकते, मामला वो है। लेकिन एक खास विचारधारा के कट्टरवादी लोगों ने इसे हिजाब का मुद्दा बना दिया है। यानी जो बहस इस बात को लेकर थी कि स्कूलों में छात्रों के लिए एक जैसी स्कूल यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं, उस बहस को एक खास एजेंडे के तहत हिजाब तक सीमित कर दिया गया है।
दूसरी बात यह है कि भारत में किसी भी मुस्लिम महिला को हिजाब पहनने से रोका नहीं गया है। पश्चिमी मीडिया और पाकिस्तान जैसे जो देश हैं वो कह रहे हैं कि अब भारत में हिजाब नहीं पहनने दिया जा रहा, किसी को भी हिजाब पहनने से नहीं रोका गया है। आज भी हमारे देश की मुस्लिम महिलाएं अपनी इच्छा के मुताबिक हिजाब पहन सकती हैं, बुरका पहन सकती हैं, नकाब पहन सकती हैं, ये उनका संवैधानिक अधिकार है, जो चाहे पहन सकती हैं। विवाद इस बात पर है कि स्कूलों में छात्राएं धार्मिक परिधान में क्लासेस अटेंड कर सकती हैं या नहीं, ये है मुद्दा। लेकिन इस मामले को इस तरह से पेश किया जा रहा है कि जैसे भारत में मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने से ही रोका जा रहा है, बल्कि बात सिर्फ क्लास अटेंड करने की है। आप कौन से कपड़े पहनकर क्लास अटेंड कर सकते हैं, यूनिफॉर्म पहनेंगे या नहीं पहनेंगे। और तीसरी बात यह है कि कर्नाटक की जिन मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब पहनने की मांग को लेकर यह पूरी मुहिम शुरू की, वो सभी छात्राएं इससे पहले तक इसी तरह बिना हिजाब के स्कूल आती रही हैं। इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा, ये छात्राएं इससे पहले बिना हिजाब के स्कूल आ रही थी। इसलिए सवाल यहां यह है कि पिछले एक महीने में ऐसा क्या हुआ कि ये छात्राएं अब अचानक स्कूलों में हिजाब पहनने की मांग को लेकर अड़ गई हैं। इस समय जी न्यूज की टीम कर्नाटक के उन स्कूलों में मौजूद है जहां यह पूरा विवाद शुरू हुआ था, और हमें आज ऐसे कई सबूत मिले हैं जिससे यह पता चलता है कि इस मामले के पीछे एक गहरी साजिश हो सकती है। और आज हम आपके सामने यह साबित करेंगे कि यह एक गहरी साजिश है। तो आज आप हमारी तहकीकात देखिए, हमारे तर्क सुनिए। आप सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए जो उडुपी के उसी सरकारी इंटर कॉलेज की है जहां पहली बार 6 मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब पहनकर क्लासेस अटेंड करने की मांग की थी। इस तस्वीर में आप उस मुस्लिम छात्रा को भी बिना हिजाब के देख सकते हैं जिसने कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब पहनने की मांग को लेकर याचिका दायर की है। यानी ये बात स्पष्ट है कि इस पूरे घटनाक्रम से पहले ये सभी मुस्लिम छात्राएं बिना हिजाब के अपने स्कूल आ रही थीं और क्लासेस भी अटेंड कर रही थीं बिना हिजाब के। तस्वीरें आपके सामने, आप देख लीजिए। हमारी टीम को यह भी पता चला कि इनमें से कुछ छात्राएं इसी सरकारी कॉलेज में पिछले 10 साल से पढ़ रही हैं, पिछले 10 वर्षों से पढ़ रही हैं, और इन 10 वर्षों में इनकी तरफ से कभी भी हिजाब पहनने की मांग नहीं रखी गई, और ये अब तक कॉलेज प्रबंधन द्वारा बनाए गए नियमों का पूरी तरह पालन कर रही थी। और यह तस्वीर इस बात का सबसे बड़ा सबूत है जो आज आपके सामने है। अब दूसरा सबूत देखिए, जब किसी बच्चे का किसी स्कूल में दाखिला कराया जाता है तो इस दौरान कई तरह के दस्तावेजों पर, पेपर्स पर छात्र और उसके माता पिता द्वारा हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। आपने भी किए होंगे अपने बच्चे के एडमिशन के दौरान, और जब आपका एडमिशन हुआ होगा तब भी यही हुआ होगा। इन पेपर्स में एक कंसेंट फॉर्म भी होता है जिसमें यह सहमति ली जाती है कि स्कूल में पढ़ने वाले छात्र स्कूल में बनाए गए सभी नियमों का पालन करेंगे, और इनका उल्लंघन होने पर स्कूल प्रबंधन उचित कार्रवाई कर सकता है। आपको वो दिन याद होंगे, मुझे मेरे स्कूल के दिन याद हैं कि किसी दिन अगर यूनिफॉर्म में कोई कमी रह गई, अगर यूनिफॉर्म ठीक से नहीं पहनी, पूरी यूनिफॉर्म में एक चीज भी ऐसी है जो यूनिफॉर्म के बाहर की है, तो अध्यापक आपको स्कूल में क्लास अटेंड नहीं करने देते थे, वापस घर भेजते थे और कहते थे कि सही यूनिफॉर्म पहनकर आओ। अब जो मुस्लिम छात्राएं इस कॉलेज में हिजाब पहनने की मांग कर रही हैं, उन्होंने भी ठीक ऐसे ही कॉन्सेंट फॉर्म पर हस्ताक्षर किए थे जो आज हमारे साथ हैं। मेरे पास उनकी कॉपी है और इसमें कुल 10 बातों पर इन छात्राओं से सहमति ली गई है। इन 10 बातों में 8वें पॉइंट में यह लिखा है कि सभी छात्रों को कॉलेज के नियमों का पालन करना होगा, और 9वें पॉइंट में लिखा है कि सभी छात्र स्कूल यूनिफॉर्म और आइडेंटिटी कार्ड के साथ ही स्कूल में आएंगे, प्रवेश करेंगे। और पिछले कई वर्षों से ये छात्राएं इन नियमों का पालन भी करती आ रही थी, लेकिन अचानक से इन्हें हिजाब पहनने की मांग इन्होंने क्यों शुरू की और ये विवाद कैसे बढ़ा, इससे बात स्पष्ट है कि इस मामले के पीछे कोई तो है जो हमारे देश की पाठशालाओं को धर्म की प्रयोगशाला बनाना चाहता है। हमने आज ऐसे कई सच खोद कर निकाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। दरअसल उडुपी के इंटर कॉलेजों में हिजाब को लेकर ये प्रदर्शन अक्टूबर 2021 में ही शुरू हो गए थे। उस समय कुछ मुस्लिम छात्राओं द्वारा क्लास में हिजाब पहनने की मांग की गई थी जिसे वहां के प्रिंसिपल ने मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में इसमें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी SDPI नाम की एक राजनीतिक पार्टी की एंट्री हुई जिसने इस पूरे आंदोलन को खड़ा करने में इन छात्राओं की मदद की और इन्हें उकसाया। इसके अलावा SDPI की छात्र इकाई
कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया भी इस समय कर्नाटक में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों का आयोजन करवा रही है और मुस्लिम छात्राओं को इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। आपके मन में अब यह सवाल होगा कि SDPI नाम की यह पार्टी इन स्कूलों पर इतनी हावी कैसे हो गई। SDPI उसी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, आपने नाम तो सुना होगा, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI का एक राजनीतिक संगठन है जिस पर दिल्ली में शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ भी कई महीनों तक चले आंदोलन को फंडिंग करने का आरोप है। इसके अलावा NIA ने सुप्रीम कोर्ट को भी यह बताया कि दिल्ली दंगों में भी PFI की भूमिका थी और इस समय झारखंड में PFI पर प्रतिबंध लग चुका है और केंद्र सरकार भी PFI पर प्रतिबंध के बारे में विचार कर रही है। अब आप सारी कड़ियों को जोड़िए, यह कहानी शुरू होती है शाहीन बाग के आंदोलन से जिसे PFI द्वारा फंड करने का आरोप है। PFI का राजनीतिक संगठन SDPI कर्नाटक के कॉलेजों में हिजाब को लेकर मुस्लिम छात्राओं को उकसाता है और फिर धीरे धीरे ये मुहिम कर्नाटक से देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच जाती है और जो मामला कर्नाटक के स्कूलों में ही लोकल लेवल पर सुलझ जाना चाहिए था, आज उस पर शाहीन बाग में दोबारा से विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। आज दिल्ली के उसी शाहीन बाग में फिर से प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और तस्वीरें आज आप देख सकते हैं। ये वही दिल्ली का शाहीन बाग है जहां नागरिकता कानून को लेकर महीनों तक प्रदर्शन चला था, सड़कों को रोक दिया था, जैम कर दिया था। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 2000 किलोमीटर दूर कर्नाटक के उडुपी में जबरदस्त तनाव है। उडुपी के लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो मुस्लिम छात्राएं इतने वर्षों से बिना हिजाब के स्कूल और कॉलेजों में पढ़ रही थीं, उस मांग और उस मुद्दे ने सांप्रदायिक रंग कैसे ले लिया। कर्नाटक के स्कूल में क्लास के अंदर हिजाब पहनने का मुद्दा गर्मा गया है और इसने पूरे देश के अंदर माहौल को गर्म कर दिया है और इसी की मामले को लेकर के कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई भी चल रही है, लेकिन जब तक फैसला नहीं आ जाता है तब तक राज्य सरकार ने 3 दिनों तक कर्नाटक के जो स्कूल और कॉलेज हैं उनको बंद कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से लगातार हिजाब पहनने के मुद्दे को लेकर के जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठन के जो लोग थे, हिंदू धर्म के जो लोग थे, उनका कहना था कि अगर इन लड़कियों को क्लास के अंदर हिजाब पहनने की परमिशन दी जाती है तो वो भी अपने धर्म से जुड़े हुए कपड़ों को पहन करके आएंगे। जब हमने उडुपी के स्कूलों से सच खोदकर निकालने की कोशिश की तो हम हैरान रह गए। हमें पता चला कि हिजाब को लेकर जिन आंदोलनों ने 2022 में विस्तार लिया उसकी स्क्रिप्ट अक्टूबर 2021 में ही लिखी जा चुकी थी। ये पूरा विषय हमें इसलिए भी परेशान कर रहा था क्योंकि जो मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनने की मांग कर रही हैं, उनका कहना है कि वो लड़कों के सामने बिना हिजाब के नहीं आ सकती। लेकिन हैरानी की बात ये है कि जिन कॉलेजों में ये छात्राएं पढ़ती हैं वो गर्ल्स कॉलेज हैं। फिर सवाल ये कि ये मांग उठी ही क्यों। क्लासरूम के अंदर क्या स्पेसिफिक इशू आपको लगता है सर?
आप सब लोगों को पता है कि मुस्लिम को हिजाब पहना है, लाइक हमारा राइट से हम पहनते हैं, और हमारा ये रूल है कि हम ना महरम जो कहते हैं कि मेंस है, जो दूसरे मेन है उनको हम हमारे हेयर नहीं दिखा सकते, और हम अनकंफर्टेबल होते हैं उस चीज से, हमें लगता है कि विदाउट हिजाब हमें मैं समझ गया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि जो गर्ल्स स्कूल है उस स्कूल के अंदर भी क्लास में जहाँ पे सारी गर्ल्स हैं वहाँ पर भी हिजाब पहने रहना क्या जरूरी है? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। जरूरी है हिजाब अगर वहाँ पे मेंस टीचर नहीं है तो। हाँ। मेंस टीचर है ना सर हर जगह, परसों जब वहाँ पे इशू आया था वहाँ पे तो भी है ना मेंस टीचर्स, वहाँ पे भी थे, इसीलिए हमारे इशू क्रिएट हो गए। नहीं, मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूँ क्योंकि आप सब लोग यहाँ पर आई हैं, तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर हिजाब पहनना जरूरी था, ठीक है आप अपने प्रोटेक्शन के लिए जो भी आप समझती हैं, लेकिन अगर गर्ल्स स्कूल के अंदर जहाँ पे गर्ल्स टीचर भी हैं और क्लासरूम के अंदर आपको कहा गया है कि आपको यूनिफॉर्म में रहना है ना कि बाहर, तब क्या दिक्कत है? तब भी अगर गर्ल्स टीचर हो गए, सभी लेडीज हो गए, तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इस्लाम लेडीज के जब हमारा इस्लाम ये हमारा राइट्स है, हम हमारे राइट्स को मांग रहे हैं सर, दूसरा कुछ भी नहीं मांग रहे, सिर्फ हमारे राइट्स मांग रहे हैं। जब हम मामले की जड़ तक गए तो हमें पता चला कि कर्नाटक में सरकारी स्कूलों के चेयरमैन स्थानीय विधायक होते हैं और उडुपी के मौजूदा विधायक इस समय बीजेपी से हैं और राज्य में सरकार भी बीजेपी की है, इसलिए पीएफआई की राजनीतिक विंग एसडीपीआई और छात्र इकाई सीएफआई ने इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया। हमको बस पीस ऑफ क्लोथ टू कवर आवर हेड ये अलाउ करना है, क्योंकि सब लोग अलग अलग तरीके से वो शॉल को यूज़ करते हैं, वो यूनिफॉर्म शॉल को, हम लोग को बस हेड कवर करना है, ये कन्विंस करने ट्राई किए पेरेंट्स द स्टूडेंट्स, बट उनको जब प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं दिया तब जाकर ये स्टूडेंट्स कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के पास आए, तब से कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया इनको फुल्ली सपोर्ट कर रहा है इन एवरी वे पॉसिबल। केरल में पीएफआई और उसकी राजनीतिक पार्टी एसडीपीआई की अच्छी मौजूदगी है। केरल से उडुपी की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है, यानी समुद्र से लगने वाले इलाकों में पीएफआई और एसडीपीआई की मजबूत पकड़ है, और ये पकड़ खास तौर पर मुस्लिम इलाकों पर ज्यादा है। उडुपी में भी लगभग 10% मुस्लिम आबादी है और स्कूल में पढ़ने वाले कई बच्चे भी अगले साल होने वाले कर्नाटक चुनाव और उसके बाद आम चुनाव में नए वोटर के रूप में हिस्सा लेंगे, और इसी वजह से ये पूरा मामला एक साजिश के तहत आग की तरह फैलाया जा रहा है। मुझे लगता है कि अगर वहाँ कर अगर 6 लड़कियाँ अगर आपके बेसिक डिमांड्स अगर रखेंगे तो इसके हिसाब से अगर इनका पेरेंट्स भी सपोर्ट करेंगे, इसके साथ जो कम्युनिटी जो इनके साथ जो खड़ा है, अब तो मामला जो हाईकोर्ट तक पहुँचा है, मुझे नहीं लगता है कि हाईकोर्ट में मामला हाईकोर्ट में रुकेगा नहीं, हाईकोर्ट से भी आगे जाएगा। सो नाउ ये तो एक सिर्फ एक उडुपी के लिए, सिर्फ एक शहर के लिए, एक कॉलेज के लिए मामला नहीं रहा है, अब तो एक इंटरनेशनल मुद्दा बन के जा रहा है, एक कम्युनिटी आइडेंटिफिकेशन, और मे बी मुझे लगता है कि एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ये नया एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हो रहा है यहाँ पे। सो ये एक छोटा सा एक मुझे लगता है कि एक टिप ऑफ द आइसबर्ग जो कहते हैं कि वो है इस हिजाब के मामले में। उडुपी से बीजेपी विधायक भी इसके पीछे षड्यंत्र का शक जता चुके हैं। वेरी क्लियर है, उडुपी डिस्ट्रिक्ट बीजेपी इज अ रूलिंग पार्टी एंड वी हैव 5-5 MLAs, आवर ओपोनेंट इज कांग्रेस, हियर नो एसडीपीआई, नो कैंपस फ्रंट, नो जेडीएस, एनीथिंग, ओनली कांग्रेस एंड बीजेपी। सो एसडीपीआई ने रिसेंटली एक कापू म्युनिसिपल इलेक्शन में पुरसभा ने 3 सीट जीता है, उन लोग कहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में 3 सीट दिया, उसके बाद उनका थोड़ा आशा ज़्यादा हो गया, लगा कि हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। ये दिसंबर में इलेक्शन हो गया, ये दिसंबर में इन लोग चालू किया। ये इधर का मुस्लिम वोटर्स दे आर कांग्रेस वोटर्स मैक्सिमम, बीजेपी का भी थोड़ा है, थोड़ा परसेंटेज बीजेपी को भी देंगे, तो मैक्सिमम कांग्रेस वोटर, एसडीपीए को इधर कैंडिडेट नहीं डालता है अभी तक। सो इन लोग का आइडिया था ऐसा एक मुद्दा को लेके, मुस्लिम का हम थोड़ा मुद्दा उठाए तो ये मुस्लिम वोट हमारा पास आएगा, हम इधर चुनाव में स्पर्धा कर सकता है बोल के इनका आइडिया से इन लोगों ने किया। स्कूल जाने वाली मुस्लिम छात्राएं खुद से तब तक हिजाब पहनने का फैसला नहीं ले सकती जब तक कि उनके घर वाले इसके लिए दबाव नहीं बनाते, और जिस तरह इस मुद्दे को उछाला गया है और सिर्फ पीयू कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के बीच ही विवाद छिड़ा है, उससे ये साफ है
कि इस पूरे मुद्दे को किसी खास मकसद से हवा दी जा रही है। यहाँ पर MGM कॉलेज जो उडुपी के मणिपाल के अंदर MGM कॉलेज है, यहाँ पर भी कल एक तरह से फेस ऑफ की सिचुएशन हो गई थी जब दोनों धर्म के जो बच्चे थे वो आमने सामने आ गए थे। इसी के बाद राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेजेस को 3 दिन तक के लिए बंद कर दिया है और आप इस समय देख सकते हैं कि जो स्कूल है जहां पर कल इस तरह से फेस ऑफ की सिचुएशन बन गई थी वहां इस समय शांति है। हालांकि जितने भी स्कूल हैं उसके अंदर एहतियातन सरकार ने एक एक दो दो पुलिसकर्मियों को बैठा रखा है ताकि किसी भी तरह की घटना को पहले ही होने से रोका जा सके। स्कूल कॉलेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रबंधन से जुड़े हुए जो लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं वही स्कूल कॉलेज के अंदर आ रहे हैं और स्कूल को बंद कर दिया गया है। जब तक कर्नाटक हाईकोर्ट इसके ऊपर कोई फैसला नहीं सुना देती है तब तक इसके ऊपर सरकार भी कोई निर्णय नहीं लेती है और कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही आगे ये तय हो पाएगा कि सरकार इस पूरे फैसले के बाद क्या रुख लेती है। जितेंद्र शर्मा के साथ जयपाल शर्मा, जी मीडिया, उडुपी, कर्नाटक। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।